आचार्य तुलसी जब पवनार विनोबा जी के आश्रम में 2 दिन रहे हम लोग, तो विनोबा जी ने कहा, आचार्य जी मैं जैन पद्धति से जीवन समाप्त करना चाहता हूँ, समाधि मरण करना चाहता हूँ। जैनों का प्रसिद्ध शब्द है समाधि मरण, मैं समाधि मरण करना चाहता हूँ। आचार्य जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, और फिर उन्होंने वैसा ही किया। अंतिम समय एक अनशन पूर्वक मौन पूर्वक जीवन समाप्त किया। तो एक लेख भी छपा बजाज जी का, तो बजाज ने लिखा उसमें कि विनोबा जी ने जैन पद्धति से समाधि मरण किया। शायद उस समय धर्मयुग में छपा था वैसे। तो मरने की कला बहुत जरूरी है जानना। जो मरने की कला नहीं जानता वह रोते रोते मरता है, डरता है मौत आएगी मौत आएगी। जानता है तो आएगी तो जरूर, फिर भी डरता हुआ मरता है, अच्छा नहीं होता। और जीने की कला बहुत बड़ी कला है। एक आदमी कठिनाइयों में भी जीता है पर जीने की कला जानता है तो वह दुखी नहीं होता। और एक आदमी जिसके पास सारी सुविधाएं हैं जीने की कला नहीं जानता तो दुखी होकर मरता है। बुढ़ापा आ गया, शक्ति कम हो गई और उपयोगिता भी कम हो गई। अब बूढ़ा आदमी सोचता है पहले मेरे पास कितने लोग आते थे अब नहीं आ रही हैं, पहले कितनी मेरी पूछ थी आज नहीं है। जैसे होता है ना कि सत्ता पर होता है तब तो सारे पीछे घूमते हैं, आज जब मंत्री पद से हटता है तो भी यह सोचता है पहले मेरे पास इतने लोग आते थे अब कोई मुझे पूछता भी नहीं है। अमेरिका जैसे महान राष्ट्र के राष्ट्रपति ने भी एक अपना अनुभव लिखा कि जब मैं राष्ट्रपति था लोग बहुत आते मिलने के लिए पर मेरे पास समय नहीं था। अब मैं निवृत्त हो गया, मेरे पास बहुत समय है, कोई मेरे पास आ ही नहीं रहा है। तो उस ऐसी स्थितियों में आदमी को बड़ा कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होता है, बड़ा दुखी जीवन हो जाता है।